ट्रांजेक्शनल एनालिसिस टीए, जिसको लोक मनोविज्ञान कहा जाता है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो अब तक जो आपने सीखा वो खुद को पहचानने के लिए, खुद का मानसिक बंधारण पहचानने के लिए और औरों के साथ व्यवहार करते समय उनका मानसिक बंधारण, आप किस दायरे में हो वो किस दायरे में है, उसकी सामान्य रूपरेखा मैं बना रहा था। अब के बार जो भी हम सीखेंगे वो व्यवहार में उपयोग कैसे करेंगे इसका, इस जानकारी का, ताकि हमारे सामाजिक व्यवहार सभी अर्थपूर्ण बने, हम एक दूसरों के लिए जीने का बल बने। तो दो बातों का मैं पुनरावर्तन करता हूं कि उसकी, इसके आधार पर आज तीसरी चर्चा करने वाला हूं। तो एक बात हमने चर्चा करी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, केवल जैविक नहीं, मतलब कि बायोलॉजिकल नहीं, पशु पंखी जीव जंतु उनको केवल शारीरिक जीवन है, जैविक या बायोलॉजिकल लाइफ है, जबकि मनुष्य को सामाजिक जीवन है। तो नवजात बच्चा पहले से ही कुछ आवश्यकताएं लेकर के जन्म लेता है, तो उसको कहा जाता है बेसिक ह्यूमन हंगर्स। ये हम सामाजिक बने चालू जाओ से फिलहाल पहले चेतन सब तरह चालू भी करवाना माइक ऑन छे बंद करवाना ना भूलो। तो नवजात बच्चा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, जीवन जीने का बढ़ बाहर से प्राप्त करता है, समाज से, माता पिता से, कुटुंब से और समाज से। तो चार प्रकार की भूख या बेसिक ह्यूमन हंगर मैं चर्चा कर चुका हूं। इसमें से पहली दो है स्टिम्यूलेशन हंगर, रिकॉग्निशन हंगर। स्ट्रक्चर हंगर की चर्चा मैं कर चुका हूं। स्ट्रक्चर हंगर का मतलब होता है आपका पीएसी बंधारण कैसा बना है वो जानने का आपका प्रयास। और एक पोजीशन हंगर, तो मैं पहले आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें स्टिम्यूलेशन हंगर, रिकॉग्निशन हंगर और पोजीशन हंगर का एकदम संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। तो इसको कही जाती है बेसिक ह्यूमन हंगर। हम एक दूसरे का स्पर्श चाहते हैं, सराहना चाहते हैं, प्रोत्साहन उत्तेजन चाहते हैं, क्लैपिंग रिकॉग्निशन एप्रिशिएशन प्रेज ये सब चाहते हैं। तो इन भूखों को, इन आवश्यकताओं को दो भाग में बांटा जाता है। पहला है स्टिम्यूलेशन हंगर। स्टिम्यूलेशन हंगर का मतलब होता है मुझे स्पर्श किया जाए, मुझे छुआ जाए, मुझे उठाया जाए। तो तंदुरुस्त बच्चा भी ये चाहता है, बीमार व्यक्ति भी ये चाहता है कि मेरे सर पर कोई हाथ रख के मुझे कोई छुए। तो स्टिम्यूलेशन हंगर शारीरिक आवश्यकता है, ये दो प्रकार से पूरी की जाती है, एक तो स्पर्श के द्वारा और दूसरा आहार के द्वारा। तो स्पर्श के कई सारे माध्यम हैं, इसमें मसाजिंग एक्सरसाइजिंग भी है। जब मैं खुद को कसरत करता हूँ तो वो फिजिकल स्टिम्यूलेशन है, इसी से मुझे जीने का बल मिलता है। तो
खुद कसरत करते हैं, साथ में मिलकर के कसरत करते हैं, तो अपने शरीर को बनाने के लिए, क्योंकि मेरा शरीर मुझे प्यारा है और उसे और निरोगी बनाना है। आप योग करते हो तो आप कोई फायदे के लिए करते हो ऐसा मत सोचिए। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो ये मेरी आवश्यकता है। मैं कोई लाभ के लिए नहीं खाता। उसी तरह शारीरिक स्पर्श, कसरत, मालिश, आहार इत्यादि जो किया जाता है वो स्टिम्यूलेशन हंगर कहा जाता है। छोटे होते हैं तब ये बहुत प्रधान होती है। हमेशा बच्चा चाहता है जब वो खुशहाल हो, खेल रहा हो, तो उसको उठाया जाए, उसको छुआ जाए, और जब वो बीमार होता है, दुख में होता है, कष्ट में होता है, तब भी ये चाहता है कि मुझे उठाया जाए, छुआ जाए। लेकिन बड़े होने पर भी ये आवश्यकताएं हमारी रहती है, स्पर्श की, आहार की, तो उसकी कुछ विकृतियां बाद में देखेंगे अगर ये आवश्यकता पूरी नहीं की गई तो। हम क्योंकि उम्र में बड़े हुए, स्पर्श थोड़ा सामाजिक एक दीवार खड़ी की जाती है। हर व्यक्ति को मैं छू नहीं सकता, हर व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता, तो इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता को मानसिक आवश्यकता कही जाती है, रेकॉग्निशन हंगर। सर तमे पीपीटी बताओ छो? हाँ, नहीं आती ना, तेरे नहीं दिखाती। ओके करो। हाँ सॉरी, मैंने लगू क्या मैं थे। ओके मेरा फरी करो। अभी क्या है? हाँ सर दिखाई छे अभी। सॉरी, तो पहली आवश्यकता की चर्चा की हमने, फिजिकल नीड, उसको कहेंगे स्टिम्यूलेशन हंगर। चर्चा कर चुके हैं कि जिन बच्चों को इसे वंचित किया जाता है, जन्म के तुरंत बाद माता ने उसका त्याग कर दिया, छोड़ दिया, अविवाहित अवस्था में जन्म होने के कारण, तो ऐसे बच्चों पर एक बहुत बड़ा अभ्यास 1950 के दशक में किया गया था। उन बच्चों की हालत अनाथ आश्रम में जो रहते हैं, ऑर्फनेज में जो रहते हैं, उन बच्चों को कितना भी खाना दो, उनकी पेट की भूख नहीं भरती, उनकी दिमाग की भूख नहीं भरती, क्योंकि ये स्पर्श वंचित है, माता के प्यार से वंचित है। तो दूसरी हंगर है, उसको रेकॉग्निशन हंगर कही जाती है। ऑल ऑफ अस थ्राइव फॉर रेकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, एफर्मेशन। कहीं भी मैं जाता हूँ, प्रवेश करते ही तुरंत मेरे सामने आंखों में आंख मिलाई जाती है, एक स्माइल दिया जाता है, तो आदर किया जाता है कि आप हो, आप आए हो, आपकी उपस्थिति की मैं नोट ले रहा हूं। तो कंफर्मेशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड बिहेवियर। आप अच्छा करें, बुरा करें, और कोई आपको देखे नहीं तो आपको कैसा लगेगा? तो ये नॉन फिजिकल नीड है आपकी, कि आपकी आंखों में आंख मिलाई जाए, आपके काम का आदर किया जाए, प्रशंसा की जाए, आपका स्वीकार किया जाए, आपकी सराहना की जाए, आपका स्वागत किया जाए, आपके कामों का कदर किया जाए, आपके अस्तित्व का स्वीकार किया जाए, आपके आप हो उसका कदर किया जाए। क्योंकि इंसान ही है हम, तो दो प्रकार से हमारी कदर की जाती है, हमारे होने की और हमारे करने की, बीइंग एंड डूइंग। मैं हूँ उसका लोगों को आदर है, और मैं कुछ कर रहा हूँ उस काम को भी कदर की जा रही है। तो ये दोनों मेरी रेकॉग्निशन हंगर है। तो उन बच्चों की सोचो, उन व्यक्तियों की सोचो कि जिनके माँ बाप ने किसी कारणवश उनके होने का और उनके करने का नौद तक न लिया, तो ये बच्चे रेकॉग्निशन हंगर से वंचित रहेंगे। जब बड़े होंगे तो भूख
के कारण कुछ न कुछ कारनामे करते रहेंगे। पॉजिटिव रिकॉग्निशन तो है ही, लेकिन नेगेटिव, अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं अपना मुख निश्चित भाव से व्यक्त करूंगा कि मुझे ये आपका काम पसंद नहीं आया। तो इसको भी, भले ही वो नेगेटिव हो या मैं किसी का अपमान करता हूं, तो वो भी एक प्रकार का रिकॉग्निशन अंगर है। भले ही मैंने नकारात्मक ढंग से उनको उनको डांटा या उतार दिया, लेकिन स्वीकार तो किया कि वो व्यक्ति मेरे पास है, उनके काम की मैंने नोहर ली और वो काम मुझे पसंद नहीं आया। तो इसकी चर्चा मैं और करने जा रहा हूँ। तो दो प्रकार की हमारी नीड है, स्टिम्युलेशन हंगर, रिकॉग्निशन हंगर। स्टिम्युलेशन हंगर शारीरिक है, फिजिकल इन नेचर। रिकॉग्निशन हंगर साइकोलॉजिकल इन नेचर, नॉन फिजिकल इन नेचर। ये पहले चर्चा है। दूसरा चर्चा है जो हम कर चुके कि हमें एक जीवन स्थिति तय करनी होगी। वो जीवन स्थिति को कही जाती है, अब जब 8 साल के आयुष्य पसार कर लेते हो तो अपने खुद के बारे में कुछ मान्यता बांध लेते हो और औरों के बारे में कुछ मान्यताएं बांध लेते हो। तो दो प्रकार की मान्यता खुद के बारे में हो जाती है, खुद का स्वीकार करते हो आई एम ओके, या खुद का अस्वीकार करते हो आई एम नॉट ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। तो इसको कही जाएंगी खुद के बारे में मान्यता, स्टैंड पॉइंट, परसेप्शन, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके। उसी तरह औरों के बारे में यू आर ओके, यू आर नॉट ओके। तो दो प्रकार की मान्यता बनाई जाएगी लोगों के बारे में भी। तो इसके आधार पर 4 जीवन स्थितियां होगी। जब आप सामाजिक रूप से कार्यरत बनते हो तो आपकी चित्त में, अनकॉन्शियस माइंड में, ये बेसिक पोजीशन है सामाजिक व्यवहार के दरमियान, आप खुद के बारे में क्या मान्यता रखते हो, तो उसके आधार पर आप अपने साथ और लोगों के साथ, जैसे कि आपको भूख लगेगी और आप उसकी अवगणना करेंगे, क्योंकि आप मानेंगे मैं दंडनीय हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैं खराब आदमी हूँ। तो सेल्फ हैट्रेड हमको बचपन से पोषा जाता है। और अगर आप अपने आप का स्वीकार करते हो आई एम ओके, तो खाने पीने के लिए, कसरत के लिए, अपनी नींद की आवश्यकता के लिए, आराम की आवश्यकता के लिए, मनोरंजन के लिए आप हमेशा प्रवृत्त रहेंगे। वैसा ही व्यवहार आप औरों के साथ करेंगे। अगर आपके दिमाग में फंसा है यू आर नॉट ओके, यू का मतलब अवतरण चिन्ह में, अवतरण चिन्ह का मतलब होता कि पूरे समाज के बारे में, सभी लोगों के बारे में, एवरीबडी इज नॉट ओके, हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, उसमें कोई ना कोई खराबी है, बुराई है, समाज पूरा का पूरा खराब है। तो कुटुंब में, बचपन में आप जो अनुभवों से गुजरे उसका रूपांतरण आप पूरे समाज का मूल्यांकन करने में काम में लगाते हो। एंड एवरीबडी इज नॉट ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। तो इसके लिए आप एक स्थिति अपने जीवन में बनाएंगे, मन में, चित्त में, यू आर नॉट ओके। तो यू आर ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, इसके आधार पर 4 जीवन स्थितियाँ बनती है। अब इसका उपयोग जीवन व्यवहारों में, सामाजिक व्यवहारों में कैसे किया जाता है, उसकी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। व्यवहारु मनोविज्ञान होगा अब। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आपके पास 2 विकल्प रहेंगे। एक विकल्प रहेगा आप खुद ही, क्योंकि आप अब बड़े हो चुके, आप बच्चे नहीं, 8 साल के थे तब तक बच्चे थे, तो सभी आवश्यकताओं के लिए आप अपने माता पिता पर, कुटुंब पर, शिक्षकों पर, अन्य वडिलों पर, बड़े भाई पर, बड़ी बहन पर निर्भर थे। अब आप बड़े हो चुके, अब आपने कारोबार शुरू कर दिया, आप सामाजिक व्यक्ति बने, घर छोड़कर बाहर निकले, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आपके पास 2 विकल्प रहेंगे। कुछ आवश्यकताएं आप अपने आप खुद पूरी करेंगे और कुछ आवश्यकताओं के लिए औरों पर आप निर्भर रहेंगे। तो खुद अपने लिए कुछ करेंगे,
लोगों आपके लिए कुछ करेंगे, अच्छा बुरा जो भी, पॉजिटिव नेगेटिव। आप अपने लिए भी कुछ करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कि मैं जब अपने आप पर उठता हूँ तो हमेशा एक दंड देता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने गलती की होती है तो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए, गलती करने का मेरा अधिकार नहीं, तो ऐसे में मैं अपने आप को एक दंड देता हूँ, सजा करता हूँ कि आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, आज तुम खाओगे नहीं। तो ये नेगेटिव तरीका रहा। तो सकारात्मक तरीका, हकारात्मक तरीका खुद के लिए अपनाते हो, औरों से आप पाते हो, जीवन जीने का बल है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको जीवन जीने का एक बल, शक्ति, ताकत या फ्यूल चाहिए। ये मानसिक ताकत है। जैसे कि मेरी गाड़ी में मैं हमेशा पेट्रोल डालने का नियम बनाता हूँ, उसी तरह सामाजिक जीवन जीने के लिए मुझे कुछ ताकत चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, कुछ फ्यूल चाहिए, साइकोलॉजिकल फ्यूल। तो टीए को इस टीए में इस साइकोलॉजिकल फ्यूल को कहा जाता है, मानसिक ताकत को कहा जाता है स्ट्रोक, जिससे मेरा जीवन चलता है, मुझे जीवन जीने का बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, जिससे मेरी व्यक्तिगत वृद्धि होती है। तो मैं सामान्य विद्यार्थी था, मैं पढ़ाई में आगे बढ़ा, सामाजिक कामों में आगे बढ़ा, व्यवसाय में आगे बढ़ा, तो इसमें मुझे सामाजिक बल चाहिए। तो पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास के लिए, और व्यक्तिगत विकास के लिए और मेरी सभी कामों के लिए, एवरी एक्टिविटी, मैं जितना भी काम करता हूँ उसके लिए भी कोई मेरी नोंद ले रहा है कि नहीं, मेरे काम की सराहना की जा रही है कि नहीं, मेरी काम की कदर की जा रही है कि नहीं, मेरी गलतियां कोई देखता है कि नहीं, मेरी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं, इन सब बातों से मुझे जीने का एक बल प्राप्त होता है जो समाज मुझे देता है। तो समाज हमको जीने का जो जीवन बल, जिसको कहते हो, देता है, उसको टीए की भाषा में कहा जाता है स्ट्रोक। इट इज अ यूनिट ऑफ सोशल रिकॉग्निशन। समाज आपका स्वीकार करता है फॉर योर बीइंग, कि एक आदमी है, एक बच्चा है, एक शिक्षक है या एक व्यक्ति है, तो होने का स्वीकार और उसके कार्य का, करने का स्वीकार। तो मेरे कुछ मित्र हैं, मेरे कुछ स्वजन हैं, मेरे कुछ आत्मीय हैं, उनका मेरे जीवन में होना और इस बात का स्वीकार करना कि मैं जीवित हूँ, मेरा अस्तित्व है, कई सारे लोगों पर निर्भर है, उन लोगों का मैं आदर करता हूँ, तो उनके होने से मुझे सामान्य स्थिति में और आपत्तियों में जीवन जीने का बल प्राप्त होता है। तो इस बल को कहेंगे हम स्ट्रोक। और जो भी काम मैं करता हूँ, जो भी काम आप करते हो, इसकी नोंद ली जाती है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के आधार पर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी कदर की जाती है, आपकी प्रशंसा की जाती है, आपका स्वीकार किया जाता है। अगर उस गलत काम कर रहे हो तो आपकी टीका की जाती है, आपको उतार दिया जाता है, आपकी खामी निकाली जाती है। तो दोनों तरीके से आपके होने का और आपके कार्यों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, इसको कहेंगे हम स्ट्रोक। तो स्ट्रोक से, स्ट्रोक जीवन जीने का एक 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 फ्यूअल है, ऐसा मानिए, और इसी से हमको जीवन जीने का बल प्राप्त होता है। मुझे अच्छा लगता है, मेरी खुशी में बढ़ोतरी होती है, मैं संतोष प्राप्त करता हूँ और मुझे जीवन जीने के लिए एक शक्ति प्राप्त होती है। तो अलग अलग तरीके से स्ट्रोक दिया जाता है। जब आप बच्चे होते हो
तो माँ बाप, वडील लोग, शिक्षक आपके, आपके बड़े भाई, बड़ी छोटी, बड़ी बहन आपको स्पर्श करते हैं। जब बड़े हो जाते हो तब भी आप कहीं गए सामाजिक मुलाकात के लिए, हाथों में हाथ मिलाया गया, आंखों में आंख मिलाई गई, आपको देख के किसी ने चेहरे पर स्मित फरकाया, तो इसका मतलब हुआ कि आपके आने की, होने की नौबत ली गई और इससे आपका चेहरा खिला, तो एक जीवन बल आपको प्राप्त हुआ। आपकी टैंक में, मन की टैंक में एक पेट्रोल डाला गया, किसी ने स्मित दिया, किसी ने आपके साथ हाथ मिलाया, किसी ने आपको कहा आओ, बहुत खुशी हुई आपको मिलकर, तो एक स्ट्रोक आपको दिया गया, इसको आपने स्वीकार किया, काउंटेड, अस्वीकार भी किया जाता है, तो स्वीकार किया किसी का स्ट्रोक, किसी ने मेरा वखाण किया, मेरी प्रशंसा की, मेरा आदर किया और मैंने नतमस्तक उसको स्वीकार कर लिया, काउंटिंग, अस्वीकार कर लिया, मैं स्तब्ध रहा, चेहरे से बिल्कुल काष्ठ भाव धारण करके, काष्ठ भाव, मेरी, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरी प्रशंसा की जा रही है, मेरी कामों की कदर की जा रही है और मैं चेहरे पर कोई भाव बताता नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं, मुझे जो स्ट्रोक दिया जा रहा है उसको डिस्काउंट करता हूँ, तो काउंटिंग, डिस्काउंटिंग, आप कितने सारे काम करते हो, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो ना आपके होने का आदर करते हैं ना आपके काम का नोद लेते हैं, और जैसे आप एक यंत्र के समान उनके जीवन में हो, ऐसा तुम्हारा, तुम्हारी मान्यता की जाती है उनके जीवन में, तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपकी दिल को चोट पहुंचती है, तो आपने एक नेगेटिव स्ट्रोक पाया और दिल पर इसकी चोट लगी, तो आपने ये स्ट्रोक काउंट किया, मतलब कि स्वीकार किया, नोद ली इसको, कि मेरे कामों की नोद नहीं ली जा रही, इस व्यक्ति को मेरे होने का न खुशी है न दुख है, ये बता ही नहीं रहा कुछ अपना भाव, तो काउंटिंग, डिस्काउंटिंग, तो जैसे आप शरीर को चलाने के लिए आहार लेते हो जिससे आपकी शारीरिक प्रवृत्तियां चलती है, उसी तरह स्ट्रोक से आपको सामाजिक शक्ति प्राप्त होती है और उसी सामाजिक शक्ति के कारण अपना व्यक्तिगत विकास और तंदुरुस्ती और आपके सभी काम निर्भर है, तो इसको टीए की भाषा में कहेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक कैसे दिए जाते हैं उसके कुछ अंदाज, तो शारीरिक स्पर्श के द्वारा, बच्चे थे तो आपको गोद में लिया जाता है, आपके मस्तक पर हाथ फहराया जाता है, आपको आलिंगन दिया जाता है, किस किया जाता है, बड़े होने पर आपके साथ हाथ मिलाया जाता है, कई बार कई मित्र हमको देख करके खुशी से आलिंगन देते हैं, तो ये फिजिकल टच है, इससे सामाजिक शक्तियों का आदान प्रदान होता है, परस्पर मैं भी शक्ति प्राप्त करता हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी स्पर्श की शक्ति प्राप्त करता है आहार के माध्यम से, जब मैं भूखा होता हूँ और खाने को बैठता हूँ तो अपने खुद की स्वीकार करके आहार के माध्यम से खुद को एक स्ट्रोक दे रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तुम उसको पानी देते हो, आइसक्रीम देते हो, कॉफी या चाय ऑफर करते हो, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रोक होगा, मान्यता की गई आपने कि आपके होने से मुझे खुशी है और उस खुशी में मैं आपको चाय पिला रहा हूँ, शब्दों में व्यक्त किया जाता है, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर्स, चेहरे पर स्माइल, आप खास प्रकार का चेहरा, दो प्रकार के आदमी आपके जीवन में आएंगे, कुछ आदमी, कुछ इंसान, कुछ व्यक्ति जिसको आप खुद पसंद करते हो और कुछ व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो दोनों में आपकी लुक बदलेगी, चेहरे के हाव भाव बदलेंगे, तो इससे पता चल जाएगा, एक होगा पॉजिटिव स्ट्रोक, मनपसंद व्यक्ति को देखा, मनपसंद इंसान को देखा, आपका चेहरा खिला, आंखों में स्माइल आया, चेहरे पर स्माइल आया,
और किसी व्यक्ति को आपने देखा पसंद नहीं है तो आपका चेहरा बिगड़ा, तो दोनों में स्ट्रोक का आदान प्रदान हुआ, एक में हुआ पॉजिटिव, दूसरे में हुआ नेगेटिव। एप्रिसिएशन एंड प्रेज, किसी के कामों का किसी होने का, कि कोई कुछ नया कुछ पहन के आता है, नया कुछ काम करता है, तो तुरंत आप कदर करते हो, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने आज, आपकी शर्ट बहुत अच्छी दिख रही है, या आपकी चश्मे का फ्रेम बहुत अच्छा है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आप बोलते हो कितना अच्छा। तो ये एप्रिसिएशन प्रेज है, आपकी स्ट्रोक हंगर को पूरी करती है। वेलकमिंग, आइए, स्थान लीजिए अपना, या आप क्यों आए मेरे घर, मुझे आप पसंद नहीं हो, मत आओ, मैं आपको मिलना नहीं चाहता, और मैं अपना चेहरा उनसे दूर कर देता हूँ। तो वेलकमिंग एंड नॉट वेलकमिंग, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। केयरिंग एंड ओनिंग, जब व्यक्ति बीमार होता है, बूढ़ा होता है, वडील होता है, तो आप आदरपूर्वक उनको उनकी सभी ज़रूरतें पूरी करेंगे, बीमारी में उनकी शुश्रूषा करेंगे, तो ये केयरिंग एंड ओनिंग। ओनिंग का मतलब होगा जैसे कि हम कई बार उपयोग करते हैं, ये मेरी पत्नी है, या मेरे पति है, ये मेरा बच्चा है। तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, 5-5.5 साल का होऊंगा, और मेरे पिताजी उनकी ऑफिस की कोई मुलाकात, कोई मीटिंग के लिए, सामाजिक मीटिंग थी, मुलाकात थी, तो कुटुंब सब आए हुए थे, पति पत्नी बच्चे सब थे, एक मिल रहे थे, खाना खा रहे थे। तो ऐसे में मेरे पिताजी ने, कोई नया व्यक्ति आया, आगंतुक नया आया, उनके ऑफिस का था, तो मुझे तुरंत ही हाथ पकड़ के बताया गया कि ये मेरा प्रिंस है। तो वो प्रिंस शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है कि मेरे पिताजी ने मेरे को स्वीकार किया है, मैं उनका बच्चा हूँ, और ये मेरा मुझे प्यार करते हैं, मेरी दुलार करते हैं। तो ओनिंग, शी इज़ माई वाइफ, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई वेरी ग्रेट फ्रेंड। तो यू ओन रिलेशनशिप्स, या यू डू डिज़ोन, कई बार तिरस्कार भी करते हैं हम। तो दोनों प्रकार से एक स्ट्रोक मिलता है, जिसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहेंगे। तो ये टेक्निकल टर्म है। स्ट्रोक इज़ अ यूनिट ऑफ सोशल रिकॉग्निशन, इससे हमें जीवन जीने का बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, इसी से हमारा पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत विकास होता है, हमें कार्य करने का बल प्राप्त होता है। मैं जितना भी काम करता हूँ, मैं वर्काहोलिक हूँ, लेकिन उन कामों की कदर की जाती है, लोगों ने इसकी नोंद ली हुई होती है। तो जैसे कि कल ही एक किस्सा बना कि किताब मैंने लिखी थी 1995 में, 1995 में, तो लगभग 25 साल पुरानी ये किताब। तो अब तो कई लोग उसको भूल भी चुके, क्योंकि अप्राप्य है, कहीं मिलती भी नहीं। वो दो दिन पहले मेरे पर एक छोटा सा फ़ोन आया कि आपकी ये किताब हमारी टेक्स्ट बुक है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे विद्यार्थियों के साथ इस किताब की थीम के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में, क्योंकि वो बच्चों की शिक्षा के बारे में थी, तो बोले कि ये हमारी बीएड की टेक्स्ट बुक है पूरे गुजरात में, और हम हमारे विद्यार्थियों के साथ आप वार्तालाप करें, और हमें ये किताब बहुत अच्छी लगती है, हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छी लगती है, तो हम एक एक, एक वार्तालाप का आयोजन करना चाहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे किसी एक काम का, पुराने काम का कदर किया गया, तो दिन मेरा बहुत अच्छा निकला, अच्छा, और मुझे एक प्रकार का उत्तेजन प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई कि मैं नई किताबें लिखूँगा, और मैं अब भी कार्यरत रहूँगा, मेरा बुढ़ापा मैं भूलना चाहूँगा। तो इसको कहेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक इज़ अ टेक्निकल टर्म इन टीए, इट मीन्स अ यूनिट ऑफ सोशल रिकॉग्निशन, हमको जीवन जीने के लिए और अपने कार्यों को करने के लिए, अपना विकास और वृद्धि करने के लिए सामाजिक बल, ईंधन, फ्यूअल चाहिए, साइकोलॉजिकल फ्यूअल, ये हम एक दूसरे को स्ट्रोक के माध्यम से देते हैं। तो इस टर्म को समझाएं, अगर आपके कोई सवाल हो इसके बारे में।
હરિઓમ સર, જાગૃત સર. હા હા બોલો બેન. સર, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે લાઈફ પોઝિશનિંગ, મતલબ હમને લાઈફ પોઝિશનિંગ કિયા થા ઓર અભી યે સ્ટ્રોક કિયા, તો ઓલરેડી અગર કિસી કોઈ લાઈફ પોઝિશનિંગ હો જાતી હૈ તો કન્ટિન્યુઅસ પોઝિટિવ સ્ટ્રોક સે વો લાઈફ પોઝિશનિંગ મે ચેન્જ આતા હૈ? दोनों का मेल है, एक दूसरे का साथ संबंध है. आपने एक जीवन स्थिति बनाई खुद के बारे में, आई एम नॉट ओके, है ना, तो आप अपने को नेगेटिव स्ट्रोक ज्यादा देंगे. या तो आप अति आहार करेंगे या अल्प आहार करेंगे ताकि आपकी सेहत खराब हो, है ना. आप वाहन चलाते समय अपनी देखभाल नहीं करेंगे, आप बेदरकार बनेंगे ताकि आपको अकस्मात हो, है ना, आपके जीवन में बीमारियां आए. तो आई एम नॉट ओके, आई एम ओके, उसके आधार पर आप अपने खुद के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे आपको या तो जीवन जीने का बल मिलेगा या बलहीन बनेंगे. उसी तरह आपने एक जीवन स्थिति बनाई, यू आर ओके, समाज जैसे कि पूरे समाज के लिए सब, मुझे कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तो मैं सभी के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा ताकि ताकि उनको मजदूर बनाऊंगा, उनके पास मैं काली बहुत ज़्यादा काम कराऊंगा लेकिन उनकी कदर नहीं करूंगा, किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा. तो आई एम ओके, यू आर ओके, तो आपके कार्य व्यवहार, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी अंग हाव भाव, ये सब आपकी जीवन स्थिति पर निर्भर रहेगा. आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके का अगर आपने जीवन स्थिति बनाया तो आप खुद के लिए भी बेदरकार बनेंगे, खुद का भी प्रशंसा नहीं करेंगे, सेल्फ अप्रिशिएशन नहीं होगा. और अगर लोगों के बारे में आपकी मान्यता रही यू आर नॉट ओके, तो आप लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उनका काम का कदर नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे. तो जीवन स्थिति से बनता है, या तो आप जीवन जीने का बल देंगे या पाएंगे, जीवन स्थिति का नहीं पाए देंगे या नहीं पाएंगे, दोनों का मतलब है एक दूसरे के साथ. ओके, थैंक यू सर. हरिओम सर, संगीता गांधी. हाँ सर, स्ट्रोक इट मे बी लाइक ट्रिगर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों मैं चर्चा कर रहा हूँ. अभी अभी तो खाली मैंने आपको स्ट्रोक शब्द समझाया जी, है ना, वो पॉजिटिव, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ये पॉजिटिव स्ट्रोक है. तुम्हारा काम बहुत अच्छा है मैंने देखा, तो ये पॉजिटिव स्ट्रोक है. नेगेटिव हो सकता है, आई डोंट लाइक यू, है ना, आपका ढंग मुझे पसंद नहीं है, क्या काम करते हो आप, इस काम से आप खुद की और लोगों की नुकसान कर रहे हो, तो ये नेगेटिव स्ट्रोक हो सकता है. तो दोनों का उदाहरण हम अभी देखेंगे, थोड़ा स्ट्रोक का क्लासिफिकेशन करेंगे इसके बाद हम थोड़ा. ओके, तो देखते हैं अभी स्ट्रोक का क्लासिफिकेशन. तो अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है, तो जैसे कि वर्बल स्ट्रोक, नॉन वर्बल स्ट्रोक. वर्बल स्ट्रोक, मैं आपको पसंद करता हूं, आई लव यू, ये बोल के बताओ. नॉन वर्बल स्ट्रोक, केवल आंखों में आंखें मिलाइए और आंखों में खुशी बताइए, आंखों में नाखुशी बताइए, चेहरे के भावों से व्यक्त करिए कि आपके होने का और आपके काम का मुझे बहुत आनंद है, और आपके होने का, आपके कामों का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपके चेहरे के हाव भाव से बताइए. तो वर्बल, नॉन वर्बल, इसको आप कहेंगे वाचिक एंड आंगिक. उसी तरह फिजिकल, नॉन फिजिकल, जैसे कि फिजिकल स्ट्रोक दिया जाता है स्पर्श के माध्यम से, आहार के माध्यम से, तो हस्तधुनन, आलिंगन देना, किस करना, हाथ को हाथ में लेना, हाथ पर हाथ रखना, तो ये फिजिकल स्ट्रोक है. नॉन फिजिकल स्ट्रोक शब्दों में या अंग भाषा में व्यक्त किया जाता है. दोनों की अपनी अपनी अहमियत है. ध्यान में रहे कि कोई भी स्ट्रोक
प्योरली वर्बल नहीं होता। जैसे कि किसी व्यक्ति को मैं कहता हूँ शुष्क चेहरा बनाकर शुष्क वाणी से आई लव यू या आई लव यू, तो इस शब्द का प्रयोजन नहीं रहता। तो शब्दों के साथ आंगिक भाव भी जोड़ना जरूरी होता है। तो आपकी आप हर्षित तो हुए, आप खुश हुए, तो ये आपकी अभिनय में भी व्यक्त होना चाहिए। तो कोई भी स्पर्श केवल शाब्दिक नहीं होता, उसमें नॉन वर्बल एलिमेंट आंगिक एलिमेंट भी रहता है। उसी तरह कोई भी स्ट्रोक, किसी के साथ अगर मैं हाथ मिलाता हूँ तो इसमें मेरा मैं कितना खुश हूँ वो भी व्यक्त होगा। तो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, प्योरली फिजिकल तो मेरा पूरा तरीका, मैं किसी के साथ अगर केवल शारीरिक रूप से वर्तन कर रहा हूँ, नॉन फिजिकल एलिमेंट बीच में नहीं लाऊंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यांत्रिक भाव से, जैसे कि मेरी गाड़ी या मेरा मोबाइल फोन मेरे लिए एक खिलौना है, एक यंत्र है, और उसके साथ मैं कोई लागनी से पेश नहीं आता। मेरी पेन है लिखने के लिए, ये तो एक यांत्रिक साधन है, इसको क्या प्यार करना। लेकिन नहीं, मैं अगर मेरी पेन को, मेरे मोबाइल फोन को, मेरी लैपटॉप को, मेरी गाड़ी या मेरा वाहन, उसको मैं केवल शारीरिक रूप से आदर या स्वीकार नहीं करता, उसके साथ मेरी एक ममता बनी हुई है, एक आत्मीयता बनी हुई है। तो कुछ ऐसा ही हाल किया जाता है व्यक्तियों के साथ, इंसानों के साथ। प्योरली मैकेनिकल, एक खिलौना मान करके उनके साथ वर्तन व्यवहार किया जाता है। तो ये शारीरिक स्तर पर किया जाता है, उसमें आत्मीयता नहीं जताई जाती, तब ये नॉन फिजिकल एलिमेंट मिसिंग होता है। तो कई संबंध ऐसे होते हैं हमारे जो हम औपचारिक ढंग से या यांत्रिक ढंग से पूछते रहते हैं और अपना कार्य व्यवहार निभाते रहते हैं। तो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल, इंटरनल, कुछ स्ट्रोक आप अपने आप को देते हो, जैसे कि आप अपने आप को आईने में देखते हो तो खुश होते हो, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैंने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, या मेरा चेहरा बहुत सुंदर है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो सेल्फ प्रेस, या कई बार मैं मनोकल्पना में जब आराम में होता हूँ तो मनोकल्पना करता हूँ, उसमें खुद ही को मैं चित्रित करता हूँ, तो इसको कहेंगे आप फैंटेसी। फैंटेसी में मैं अपने आप को किसी बाग बगीचे में ले जाता हूँ, सुंदर स्थान पर ले जाता हूँ। तो उस मनोकल्पना, विजुअलाइजेशन या प्रत्यक्षीकरण, वो एक प्रकार का इंटरनल स्ट्रोक है, मन चाही जगह पर जाना, या मैं अपने आप को फैंटेसी में स्मशान में ले जाता हूँ। तो नेगेटिव स्ट्रोक जरूर है, लेकिन वो इंटरनल स्ट्रोक है, या अपने आप को मरा हुआ देखता हूँ मैं फैंटेसी में, तो ये एक नेगेटिव इंटरनल स्ट्रोक है। जीवन जीने के लिए मैं अपने आप को या तो बल दे रहा हूँ या बल छीन रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, आई एम नॉट ओके। तो जो जीवन भर आप अपने आप को, खुद को दे रहे हो, उसको इंटरनल स्ट्रोक कहेंगे। अलग अलग माध्यम रहेंगे, खुद को आईने में देखना, खुद को सजाना धजाना, खुद की आवश्यकताओं की देखभाल करना, भोजन ठीक से लेना, कसरत ठीक से करना, और संगीत, जैसे कि मैं गाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लोगों को कैसा भी लगता हो इससे मुझे क्या लेना देना, तो इसको कहेंगे इंटरनल स्ट्रोक। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, केवल खुद के बल पर, खुद के सहारे पर नहीं जी सकते, औरों का भी हमको सहायता चाहिए, औरों से भी जीवन जीने का बल चाहिए, तो इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रोक। और ये होंगे अलग अलग प्रकार के, जैसे कि प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, मतलब कि यू आर टू गुड, तो ये प्लेजेंट है, यू लुक वेरी अगली,
एंड यू मेक सो मेनी मिस्टेक्स, तो ये अनप्लेजेंट है, इससे मेरी आंखों में रोना आएगा, मेरे दिल को ठेस पहुंचेगी, नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, मेरी टीका की जा रही है कई लोगों के बीच, तो ये अनप्लेजेंट है. तो प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, सुखद स्ट्रोक एंड दुखदायी स्ट्रोक, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. यू आर गुड, आई लाइक योर वर्क, यू आर टू बैड, यू मेक सो मेनी मिस्टेक्स, तो ये नेगेटिव स्ट्रोक हो गया. तो पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल. अनकंडीशनल आपके होने के लिए दिया जाता है, जैसे कि मेरे जीवन में आपका होना एक एक बहुत उत्तम बिना बनी कुदरत ने या भगवान ने आपको मेरे जीवन में भेज करके कितना अच्छा संकेत दिया, तो केवल होने का. तो जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को उठाती है, प्यार करती है, खाना खिलाती है, उसकी तकलीफों को दूर करती है, तो उस बच्चे को दिया जाता है अनकंडीशनल, बिन शर्ती प्यार, बिन शर्ती. वो लड़का है या लड़की है, खूबसूरत है या नहीं है, ये माँ को परेशान कर रहा है या माँ को रिलीफ दे रहा है, कुछ भी नहीं देखा जाता. अनकंडीशनल गिवन जस्ट फॉर योर बीइंग. तो मेरे जीवन में आप हो उसका मैं स्वीकार करता हूँ, इससे मैं खुश हूँ. और कंडीशनल, यू आर टू गुड, आपके काम को मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, बच्चा है आपका और वो अपनी स्कूल की परीक्षा का परिणाम लेके आपके पास आया और स्कोर शीट, ग्रेड शीट आपने देखा और आप बहुत खुश हुए, अरे वाह क्या परिणाम लाया है, मुझे नाज है तुम्हारे पर. तो इसको कहेंगे कंडीशनल. कंडीशनल स्ट्रोक्स आर गिवन फॉर डूइंग समथिंग एंड अनकंडीशनल स्ट्रोक्स आर गिवन फॉर बीइंग, जस्ट बीइंग. तो दोनों प्रकार की अपनी अपनी अहमियत है, आवश्यकता है हमारे जीवन में है. अब एक है जेन्युइन स्ट्रोक एंड दूसरा है काउंटरफिट या प्लास्टिक. तो जैसे कि मैं कई बार पॉलिटिक्स खेलता हूँ, मैं कई बार एक प्रकार की, मतलब मैं कुछ चीज़ को पसंद करता हूँ होने की या करने की, तो जेन्युइन स्ट्रोक दूंगा, बहुत अच्छा काम किया आपने. लेकिन कई बार बनता है कि माता पिता अपने बच्चे को कैसा भी करेंगे, गलत काम करेंगे, गलतियां करेंगे, तो भी बच्चे बोलेंगे अरे क्या बढ़िया काम किया, मुझे नाज है तुम्हारे पर. या एक माँ थी, उसका बच्चा था, स्कूल जाता था और हर रोज किसी न किसी की चीज़ की चोरी करके आता था. माँ को बताई जाती थी कि माँ आज मैं ये चोरी करके लाया, कल वो दूसरा कोई चीज़ लेके आता था, बोलता था माँ मैं आज दूसरी कोई चीज़ की चोरी करके आया, तो माँ उसको उठाती थी, माँ हमेशा उसको बोलती अरे मेरे बेटे पर नाज है, चोरी करने का क्या तरीका है. तो ये होगा एक प्रकार का काउंटरफिट प्लास्टिक स्ट्रोक, जो छलने के लिए किया जाता है. ऐसे भी स्ट्रोक होते हैं, तो किसी व्यक्ति से मेरा कुछ स्वार्थ है, वो स्वार्थ पूरा करने के लिए, क्योंकि वही व्यक्ति पूरा काम करेंगे तो मेरा काम पूरा होगा, मुझे वो काम नहीं करना है, इसीलिए मैं उसको बढ़ावा दूंगा, उसको कहूँगा काम तो तुम ही ठीक करते हो, किसी और का काम मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और को देना चाहता नहीं, मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, तुम्हारे पर मेरा विश्वास है. तो ये स्ट्रोक एक नीति है मेरी, कूटनीति, कि मेरा काम निकालने के लिए मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ, कदर कर रहा हूँ, आदर कर रहा हूँ, तो इसको कहा जाएगा काउंटरफिट प्लास्टिक स्ट्रोक. तो हाँ, वो करेंसी जिसके हाथ में जाएगी, जैसे कि मेरे हाथ में 100 रुपये का नोट आया, वो फेक नोट था, जाली नोट था, लेकिन वो जाली नोट मेरे हाथ में आते मुझे उसको पहचाननी चाहिए, मैं पहचान भी लेता हूँ कई बार, लेकिन मैं चलन में उसका उपयोग करके मेरा काम निभाना चाहता हूँ, तो
तो कई बार ऐसा सामाजिक व्यवहारों में होता है कि काउंटर फीट या प्लास्टिक स्ट्रोक दिया जाता है, माता पिता के द्वारा भी कई बार, हमारे बॉस के द्वारा, हमारे सहकार्यकर्ता के द्वारा, हमारे मित्रों और साथियों के द्वारा काउंटर फिट प्लास्टिक स्ट्रोक दिया जाता है, क्योंकि उनका स्वार्थ है, वो हमसे कुछ कराना चाहते हैं या आप किसी से कुछ कराना चाहते हो, तो आप गलत स्ट्रोक का उपयोग करके थोड़ा उनका उनको इन्फ्लेट करते हो, बढ़ावा देते हो। अब लेने वाला व्यक्ति अगर उसको पहचान ले कि ये काउंटर फिट है, ये जाली स्ट्रोक है, जाली नोट है, तो उसकी आंखें खुल जाती। लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं कि ऐसे स्ट्रोक को भी हम खुद पसंद करने लगते हैं और उस स्ट्रोक के आधार पर हम कई बार जीवन व्यवहार निभाते भी हैं। मुझे पता है कि एक दो व्यक्ति ऐसी है जीवन में जो मुझे पसंद नहीं करती, मेरे कामों को पसंद नहीं करती, लेकिन कहीं भी अगर सभा में होंगे तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे, कदर करेंगे, आदर करेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जाली नोट होने पर भी, जाली स्ट्रोक होने पर भी मैं उसका कई बार स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये गलतियाँ हमसे, इंसानों से होती है। तो ये स्ट्रोक के अलग अलग प्रकार, मैं आपसे चाहूँगा आपको अगर कुछ इसके बारे में रिफ्लेक्ट करना है अपने जीवन में इसके, तो कोई भी सवाल या कोई भी टिप्पणी, कोई भी नोद आपकी इसके बारे में आप कहना चाहोगे? हरिओम सर, जागृति। हरिओम सर। हरिओम, आज सवाल भी कम है, मुझे लगता है कि मेरी एक्सप्लेन करने में कुछ गलती हो रही है। ओके, हाँ बोलिए। बहुत क्लियर है। यही काउंटर फिट की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आदमी एक्चुअल में आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं भी सोच रहा, मतलब हमारे लिए नेगेटिव नहीं भी सोच रहा हो, लेकिन वो एक प्रोजेक्शन करता है एप्रिशिएशन का, उसका वही मतलब हुआ ना। मतलब दोनों चीज से हो सकता है, वो आपको पसंद भी नहीं करता उसके बावजूद भी आपकी प्रशंसा या एप्रिशिएशन करता है, और दूसरा केस में उसको ऐसा कुछ भी उसकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि उसको लाइक डिसलाइक है, लेकिन वो जस्ट टू इन्फ्लेट वो उसको यूज करता है। हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, दोनों तरीके से हो सकता है, सही बात है आपकी। ओके, एंड सर, जैसे दो चीज समझने के लिए, कंडीशनल और अनकंडीशनल की हमने बात की, जहां पर हम कह रहे हैं कि टू कंडीशनल, हम कहते हैं कि जब उसको कुछ करवाने के लिए हम वो कंडीशनल देते हैं कि ताकि वो करे उस चीज को, और अनकंडीशनल हम करते हैं ताकि भविष्य में वो उन चीजों को ना करे। तो कंडीशनल अनकंडीशनल एंड प्लेजेंट अनप्लेजेंट में अगर हमको समझना है, मतलब इसको इनको इस तरह से समझना है, तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि अगेन व्हेन कंडीशन व्हाटएवर वी आर गिविंग देम, पॉजिटिव स्ट्रोक दे रहे तो हम बोल रहे कि प्लेजेंट स्ट्रोक है, और नेगेटिव स्ट्रोक है तो अनप्लेजेंट है। तो ये सिर्फ वर्ड चेंज है कि इनमें डिफरेंसेस है? देखो, कंडीशनल अनकंडीशनल, पहले अनकंडीशनल स्ट्रोक दिया जाता है फॉर बीइंग। अब फॉर बीइंग मतलब मेरा राजा बेटा है ना, अभी अनकंडीशनल हुआ ना, मेरा राजा बेटा। ओके, इसमें अगर क्या परिणाम लेके आया तो वो कंडीशनल हो गया। अब मेरा राजा बेटा, या कोई व्यक्ति मैं तुमको पसंद नहीं करता, तो ये नेगेटिव स्ट्रोक है ना, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मेरे सामने मत आओ, तो ये नेगेटिव अनकंडीशनल स्ट्रोक है। और मेरा राजा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव है, समझे ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव को फिलहाल थोड़ा बाजू निकालिए, और अनकंडीशनल इज बीइंग गिवन फॉर
जस्ट फॉर योर बीइंग, किसी की आपके जीवन में उपस्थिति के कारण दिया जाता है, मेरा बेटा है ना, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तो ये अनकंडीशनल है। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये अनकंडीशनल है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ऐसा ही होगा एक कंडीशनल है ना, कि तुम जो भी काम कर रहे हो मुझे बहुत पसंद है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रोक हुआ। और तुम्हारा एक भी काम ढंग का नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत गलतियां करते हो, तो ये कंडीशनल नेगेटिव स्ट्रोक होगा। तो अलग अलग ये कॉम्बिनेशंस होंगे है ना। पहले आप पहचानो कंडीशनल शर्ति जो काम के कारण दिया जाता है, और अनकंडीशनल जो केवल होने के लिए दिया जाता है ना। तो दोनों के बीच तफावत फिर कॉम्बिनेशन सभी हम देखेंगे इसके बाद में थोड़ा। हरि ओम सर, मनीषा बोलू छु। हाँ जी। આપણે કોઈ આપણને પોઝિટિવ સ્ટ્રોક આપે કે નેગેટિવ સ્ટ્રોક આપે, કે મતલબ આપણે કોઈને આપીએ, તો એના પર એ અસર થાય અને એ અસર એને ના કરવી હોય તો શું કરવું પડે? કેમ કે અમુક વખતે ઉછેરમાં અથવા તો આપણને પોતાને બે બાજુ એવું થાય। હા, તો કોઈ સ્ટ્રોક તમને આપવામાં આવ્યો નહીં, તમને પસંદ ન પડ્યો, છતાં હોય સાચું આપણે માનતા હોઈએ કે ના એ ભલે એવું કે સ્ટ્રોક આપે પણ એવું છે નહીં, તો તમારે ના 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 છે ને એવું નહીં। એ વ્યક્તિએ જે ટેક્ટિકા તમારી કરી, એ ટીકા જો સાચી હોય, એમાં તથ્ય હોય, તો તમે એને સ્વીકાર કરો, અને એ સ્વીકાર તમે એમને કહો કે તમે મારી આજે ટીકા કરી એ વાસ્તવિક છે, મારી ખોડ એ આપણે હવે પછીનું જે આના પછીનું જે ટોપિક આવી રહ્યો છે એ થોડો એના આધાર પર, કે કોઈ વ્યક્તિ તમારી ભૂલ બાબતમાં તમને એક ફીડબેક આપી રહ્યું છે, તમારી નબળાઈ બાબતમાં તમને એક ફીડબેક આપી રહ્યું છે, તો એ ફીડબેક જો સાચું હોય તો તમે એનો સ્વીકાર કરો, બરાબર? અને અયોગ્ય લાગે એમાં તથ્ય ન હોય તો તમે એનો અસ્વીકાર કરો, એ વાત પર આપણે આવીએ છીએ। પહેલે તો આપ સ્ટ્રોક કા સ્ટ્રોક દિયા જા રહા હૈ તો ઉસકો ધ્યાન સે સુનિયે, હે ના? નહીં તો એસા હોગા કે વો જો ટીકા તુમ્હારી કર રહા હૈ, તુમ અપની મસ્તી મેં રહોગે ઓર તુમ કહોગે મેં ઇસકે તો મેં તો ઇસકે પ્રતિ અપના કાન ભી નહીં દેતી, મેં સુનતી ભી નહીં ઉનકો, તો અરે વો તો હાથી કે પીછે કુત્તે ભોંક રહે હૈ, તો યે સ્ટ્રોક ડિસ્કાઉન્ટ કિયા જા રહા હૈ। નહીં, આપકી ટીકા કી જા રહી હૈ, આદર સે સુનો ઓર ફિર બોલો ઇસમે યે જો મેરી ટીકા કી ગઈ, મેરી ગલતી નિકાલી ગઈ, મુજે ખુશી હૈ કે આપને મેરી ટીકા કરી, મેરી ગલતિયાં બતાઈ, તો વો મેરે અપને સુધાર કે લિયે હૈ। तो आपने स्ट्रोक काउंट किया है ना, तो टीकाओं को सुने, लेकिन अगर उस टीका में कुछ जैसे कि तथ्य नहीं है, है ना, केवल तुमको तुम्हारा इंसल्ट करने के लिए, अपमान के लिए किया जा रहा है, तो उस स्ट्रोक को तुम डिस्काउंट करोगे, है ना, नजरअंदाज करोगे। तो स्वीकार करना काउंटिंग, नजरअंदाज करना डिस्काउंटिंग, दो तरीके हैं तुम्हारे पास, तो इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ इसके बाद। नानू बालक हो, नानू बालक एने तो खबर ना पड़े, એટલે અને પછી એના ક્યાંક ને ક્યાંક ઉછેરમાં અસર પડે, એ ગણે નહીં આપણું કોઈ સ્ટ્રોક તો। हां तो होता है ना कई बार ऐसा कि बच्चे को छोटा बच्चा मान करके आप कई बार उसका अपमान करते हो, है ना, उसका अस्वीकार करते हो, लेकिन उसके उसके हृदय को तो ठेस पहुंचती है, और इसका परिणाम तुमको देखने को मिलता है बाद में जाकर, उसी समय तो नहीं मिलेगा। बच्चा उस समय तो दुर्बल है, लाचार है, लेकिन आगे चल करके तुम्हारे पर उसका कुछ ना कुछ प्रतिभाव मिलेगा तुमको, होता है इसका। नहीं, आपने टीका करिए, बालक ने टीका करिए कि आम नहीं करवानू के आउ ना करवु जोइए, पण ए सांभळे नहीं तो एना उछेर पर पण असर थाय ने। कुदरती है कि इसका उसको नुकसान होगा, है ना, उसको गलती बताई जा रही है, तो अगर उसको नजरअंदाज करेगा तो अपने आप को सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रोक भी व्यक्ति सुधार के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति खराब है और फिर भी मैं प्रशंसा किए जा रहा हूँ, कदर किए जा रहा हूँ, तो
तो वो काउंटरफिट स्ट्रोक है, प्लास्टिक स्ट्रोक है, मुझे बदलाव लाना हो, है ना। तो कई बार जरूरी है कि मैं वो कॉम्बिनेशन पर आऊंगा, एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो उसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम गलतियां बहुत करते हो, पढ़ाई नहीं करते, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो देखो मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर माई चाइल्ड एंड आई लव यू, बट बी केयरफुल, यू आर नॉट, यू डोंट गिव इनफ टाइम फॉर योर स्टडीज, तो देखो अब मैंने दो कॉम्बिनेशन कर दिए, है ना, अनकंडीशनल स्ट्रोक भी दिया और कंडीशनल स्ट्रोक भी दिया उसको। तो करने का माता पिता का तरीका जरा, ऐसा होता है कि कई बार हम बच्चे की शरारत को नहीं, बच्चे की गलतियों को नहीं, बच्चे को ही तिरस्कार करने लगते हैं। तो अभी इसी हफ्ते में मेरे पास योग की दो माताएं महिलाएं आई थी अपने बच्चों को लेके, जो 11th में है, 12th में है, बोर्ड में है, और ये अपने बच्चे को तिरस्कार करने लगी है, तो आंखों में आंखें डालकर बात करने को भी तैयार नहीं। तो इसका मतलब है कि बच्चे की काम की वजह से तुम बच्चे को प्यार करना भूल चुके, अपना मातृत्व, अपना पितृत्व फर्ज आप छोड़ चुके, तो इसको कहेंगे अनकंडीशनल नेगेटिव स्ट्रोक। हो गया ना, कि मैं काम खब पसंद नहीं करता, तो मुझे बच्चे को स्पष्टता से कहना चाहिए, या मेरे साथ काम करने वाली व्यक्ति होगी उसको कहना चाहिए, तुम मेरे जीवन में हो, तुम मेरी संस्था में हो, मेरे साथ काम करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा काम में थोड़ा ज्यादा ज्यादा अब थोड़ा ध्यान करो, है ना, गलतियां होती है, अच्छा नहीं है, है ना, काम खराब होता है, संस्था का नाम खराब होगा। तो देखो मैंने दो स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो चतुराई पूर्वक आप दो स्ट्रोक का उपयोग करके बच्चे को अपना संदेश दीजिए। हम क्या करते हैं कि उसकी लगातार टीकाएं करते रहते हैं सुबह से लेकर रात कर। तो जो दो बच्चों को इस हफ्ते में मैं मिला, दोनों का एक ही फरियाद था कि माँ लगातार मेरी टीका ही करती रहती है, मेरे टोकती रहती है, मेरा अच्छा काम तो कुछ देखती भी नहीं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो उसका तो प्रशंसा करती ही नहीं वो, भले ही मैं 11th बोर्ड में हूँ और परीक्षा नजदीक आई है, लेकिन अरे मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, पढ़ाई में थोड़ा बुरा जरूर हूँ, मेरी दुर्बलता है, लेकिन मैं बहुत सारे काम करता हूँ जो मेरी माँ देखती ही नहीं। तो आप थोड़ा सा चतुराई पूर्वक अपनी स्ट्रोक का उपयोग करिए। એટલે લાડ પ્યાર કરવાના, પણ પર્ટીક્યુલર જે ભૂલ છે એને પોઈન્ટ આઉટ કરીને કહેવાનું કે આ ખોટું છે, બસ। એટલે લાડ પ્યાર કરવાનું એ આપણો અનકન્ડિશનલ સ્ટ્રોક, પણ કામમાં ભૂલ હોય તરત બતાવવાની એ કન્ડિશનલ સ્ટ્રોક, બે ભેગા કરવાના। ઓકે, હરિયમ સર, હરિયમ। તો અભી મેં આપકો સ્ટ્રોક કા કુછ કોમ્બિનેશન્સ બતા રહા હું, पॉजिटिव नेगेटिव में सोच चर्चा कर चुका हूँ, है ना। तो पॉजिटिव स्ट्रोक है वो ओके, स्लाइड दिखती है ना आपको, ओके, पॉजिटिव स्ट्रोक। हाँ सर, तमने बहुत बड़ा क्वेश्चन करना रहा लोगों त्यार है, प्रैक्टिस करी रहा छे। हाँ सारे प्रैक्टिस YTTC ना क्लास મચે 15 જણા જે આપડા સન્ડે ટોક માં રેગ્યુલર આવે છે, અને એટલે આજે આપણે સમજો ને તમે 40 ની આજુબાજુ છે, હા એ ક્લાસ ચાલુ છે મને ખબર છે, અચ્છા એટલે સંખ્યા વહેંચાઈ ગઈ છે આજે, હા એટલે 15 જણા ઓછા છે આપડા સન્ડે ટોક માં, અને એમાં 3-4 જણા રેગ્યુલર ક્વેશ્ચન કરનારા છે એ લોકો ગાયબ છે। ઓકે ઓકે, હા કઈ નહીં, તો આજે હું થોડું અધૂરું રાખીને બાકીનું પૂરું કરીશ એવું હશે તો। ઓકે, તો પોઝિટિવ સ્ટ્રોક ये आपका व्यक्तिगत विकास और आपके कार्यों को सहायता करती है, जबकि नेगेटिव स्ट्रोक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, पेनफुल होते हैं, है ना, जिससे आपकी आंखों में रोना आता है, आपकी दिल को दिमाग को ठेस पहुंचती है। पॉजिटिव स्ट्रोक के उदाहरण है, नेगेटिव स्ट्रोक के उदाहरण है वखान करना, प्रशंसा, कदर करना, आदर करना, प्यार जताना, सहानुभूति जताना, है ना, आश्वासन देना, ये सब पॉजिटिव स्ट्रोक है। खुद के लिए पॉजिटिव स्ट्रोक कि मैं जब भी कोई भी काम अच्छा करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस दिन, तो ये मेरा खुद का पॉजिटिव स्ट्रोक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे,
मेरा चेहरा कूल आता कीलता है, और जब चेहरा कर्म आता है, पुट डाउन, क्रिटिसिज्म, डिग्रेडिंग, रिडिकल, तो बच्चे के काम की जब, क्योंकि या सामाजिक व्यवहारों में किसी भी व्यक्ति की तुम टीका करते हो तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहिएगा, उसके व्यक्तिगत व्यक्ति को उसकी अहमियत को गिराने के लिए, उसको औरों के सामने अपमानित करने के लिए ऐसा कोई भी व्यवहार न करें ताकि उसके दिल को ठेस पहुंचे। काम की टीका करने का हमको अधिकार है, लेकिन शब्दों को चतुराई से पसंद करेंगे आप, है ना? केवल टीका करने का भाव आपका नहीं होना चाहिए। तो पुट डाउन, क्रिटिसिज्म, डिग्रेडिंग, रिडिकलिंग, स्कोल्डिंग, पनिशिंग, डिस्काउंटिंग। तो जैसे कि कोई बच्चा, कोई व्यक्ति मेरी ऑफिस में प्रवेश करता है, मेरे सामने 10 मिनट तक खड़ा रहता है, मैं काम में व्यस्त हूँ और अपना मस्तक ऊंचा नहीं करता, उसकी आंखों में आंख मिलाता नहीं, उसके आने का स्वीकार करता नहीं, तो इसका मतलब है मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ उस व्यक्ति को। कई बार कुछ है, कोई ऐसी व्यक्ति मिलने को आता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो जानबूझकर मैं ऐसा करता हूँ, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, ये नेगेटिव स्ट्रोक होगा, ये संबंधों में तनाव पैदा करेगा। तो भले ही कोई व्यक्ति मुझे पसंद ना हो, लेकिन वो मेरे पास आई है, वो पसंद नहीं है, उसका कुछ कारण है, उसका काम मुझे पसंद नहीं, उसका स्वभाव पसंद नहीं, उसकी नीति नियम पसंद नहीं मुझे, उसका सामाजिक व्यवहार का ढंग मुझे पसंद नहीं, तो उसको बताओ। लेकिन बताते समय खुद का, उसका तो स्वीकार करो, आंखों में आंखों मिलाओ, आंखें मिलाओ, बैठो और अभिवादन करने के बाद आप उसको क्यों उसको पसंद नहीं करते वो उसको स्पष्टता से बताओ। तो इसको कहा जाएगा कंडीशनल एंड अनकंडीशनल, दोनों स्ट्रोक को आपने इकट्ठा करते हुए एक नेगेटिव स्ट्रोक दिया, लेकिन नेगेटिव स्ट्रोक जरूरी भी होता है कई बार, तो डिस्काउंटिंग। अब मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। तो पॉजिटिव अनकंडीशनल, आई लव यू, आई लाइक यू, आई एम हैप्पी दैट यू आर विथ मी, इट इज पॉजिटिव अनकंडीशनल। ये टाइप ए कॉम्बिनेशन में चर्चा कर रहा हूं। ये दोनों जो प्रकार है आपको पेरेंटिंग में बहुत काम आएंगे। अगर किसी संस्था में आप ऊपरी हो, आपके हाथ नीचे कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो ये पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको कहा जाएगा टाइप ए कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव अनकंडीशनल मैंने बताया। अब पॉजिटिव कंडीशनल, आई लव यू, आई लाइक द वे यू वर्क, ओके, जिस चिवट के साथ, निष्ठा के साथ तुम काम करते हो, कपड़े हर रोज के कैसे पसंद करते हो, बहुत अच्छा लगता है, तुम बाल कैसे बनाती हो, बहुत अच्छा लगता है, तो पॉजिटिव अनकंडीशनल। लेकिन किसी को पट्टी पाड़ने के लिए, आप मूर्ख बनाने के लिए या उसका गैरलाभ लेने के लिए, स्वार्थी हेतु सर, जब तुम उसको कहते हो कि कपड़े बहुत अच्छा पहना है, बाल बहुत अच्छे बनाए आपने, क्या गजरा डाला बालों में, तो वो जो किया है वो प्लास्टिक काउंटर फिट स्ट्रोक होगा, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। पॉजिटिव कंडीशनल। और एक नेगेटिव कंडीशनल है, तो जैसे कि बच्चों को या तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने के वाले व्यक्तियों को थोड़ा शिस्त पालन सिखाने के लिए, है ना, बच्चे को सिखाना है मुझे, आई लव यू, आई लाइक यू, बट बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज बिकॉज योर ग्रेड्स आर फॉलिंग, तो ये नेगेटिव कंडीशनल स्ट्रोक हो गया, है ना। तुम काम में बहुत गलती करते हो, अच्छे इंसान हो और मेरे साथ काम करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन काम में गलतियां थोड़ी, आप देखो कितनी गलतियां कर रहे हो, तो नेगेटिव कंडीशनल ये शिस्त पालन के लिए कहा जाता है। तो अनकंडीशनल को यू से, कंडीशनल को सी से अभिव्यक्त किया जाता है,
अब इसके साथ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव अनकंडीशनल, पॉजिटिव कंडीशनल, और पॉजिटिव अनकंडीशनल प्लस यू, लेकिन नेगेटिव अनकंडीशनल माइनस सी। तो ये शिस्त पालन सिखाने के लिए, बच्चे को, बच्चे का पर नियमन करने के लिए, उसके वर्तन व्यवहार को सुधारने के लिए, किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का वर्तन व्यवहार सुधारने के लिए इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार का स्ट्रोक कॉम्बाइन किया जाता है, इसको कहेंगे टाइप ए स्ट्रोक कॉम्बिनेशन। ये डिजायरेबल है, दोनों का उपयोग आप चतुराई से करिए, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन दूसरे वाला टाइप बी है, ये अनडिजायरेबल है, अनिच्छनीय है। इसमें देखो आप नेगेटिव अनकंडीशनल है, नेगेटिव अनकंडीशनल, आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, तुम आदमी ढंग के नहीं हो। लेकिन पॉजिटिव कंडीशनल उसके साथ में जोड़ता हूँ, ठीक है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या करो, मुझे तुम्हारा, तुम्हारे पास काम जो लेना है, तुम मेरे बेटे बने हो तो मेरी चिता को आग लगाने वाले हो, बुढ़ापे में मुझे देखने वाले हो, पसंद मुझे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे चलाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मुझे ज़रूरत है। तो ये पॉजिटिव कंडीशनल हो गया। तो नेगेटिव अनकंडीशनल, पॉजिटिव कंडीशनल, दो का कॉम्बिनेशन किया गया, ये थोड़ा तनाव पैदा करने वाला होगा। ज़्यादातर माँ बाप बच्चों को इसी अंदाज से देखते हैं, या पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का आदर महिला होने के लिए किया जाता है, लेकिन महिलाओं का समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि उनका, उनसे तो आप साहब बीबी गुलाम मूवी देखेंगे, कई सारे मूवीज में ये बंकिम चंद्र ने ये कहानी में व्यक्त किया है कि क्योंकि सेक्स की आवश्यकता पूरी करने के लिए, बच्चा प्राप्त करने के लिए महिला आवश्यक है, नारी आवश्यक है, पत्नी आवश्यक है, तो केवल उसी काम के लिए उसका स्वीकार किया जाता है, लेकिन नारीत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। या किसी ऑफिस में काम करते हैं तब, मैं जानता हूं कि मैं किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, यू आर नॉट ओके, नेगेटिव अनकंडीशनल, यू आर नॉट ओके, मुझे एक भी आदमी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे काम चलाना पड़ता है, तो काम चलाना पड़ता है, उसके लिए मैं पॉजिटिव कंडीशनल स्ट्रोक देता हूँ। तो ये मेरा स्वार्थ निभाने के लिए, ये मेरी गलत मान्यताओं के लिए जिम्मेवार बनती है। ये दोनों प्रकार के स्ट्रोक कॉम्बिनेशन नेगेटिव माने जाते हैं, टाइप बी। तो अगर मैं और आप इसका शिकार बने हो तो उसको छोड़ना होगा। वर्स्ट काइंड इज नेगेटिव अनकंडीशनल, नेगेटिव कंडीशनल, नेगेटिव कंडीशन, अनकंडीशनल, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, और आई डोंट लाइक द वे यू लुक, you, the way you dress, the way you work, okay? तो कई बार बच्चे को माँ बाप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि unwanted child है, और ये बच्चा जो भी करता है उसमें गलतियाँ भी बहुत करता है क्योंकि माता पिता का प्यार उसको नहीं मिला, तो ये बच्चा विकास नहीं कर पाया, काबिलियत प्राप्त नहीं कर पाया, बहुत सारी गलतियाँ करता है, तो दोनों के बीच तिरस्कार का नाता बन गया। बच्चे का होने का भी मुझे आनंद नहीं, बच्चा जो कर रहा है उसके लिए भी मुझे आनंद नहीं। तो कई बार इसको कहा जाएगा नेगेटिव अनकंडीशनल, नेगेटिव कंडीशनल, दो स्ट्रोक बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है इधर। जैसे कि खून करने वाले लोग जो अपनी बीबी का खून करते हैं, तो मुझे तुम पसंद नहीं हो और न तुम्हारा व्यवहार पसंद है, यू आर वेरी अगली, मैं तुमको पसंद नहीं करता, यू डोंट कुक वेल, यू डोंट केयर लुक आफ्टर माई फैमिली वेल, और इसको मार दिया जाता है। तो खूनी लोग कई बार इसी मान्यता के शिकार बनते हुए किसी का खून कर देते हैं। तो ये दोनों प्रकार के स्ट्रोक कॉम्बिनेशन जो है, टाइप बी कॉम्बिनेशन, इसको धरार नेगेटिव कहा जाता है, ये संबंधों में तनाव पैदा करने वाले हैं, इससे बच के रहना चाहिए। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल था संबंधों के बारे में,
अगर मैं पूरा कर रहा हूँ उसके पहले आपका कोई सवाल होगा। इसमें बहुत सारी और चीज़ें बाकी है लेकिन मैं आज जल्दीबाजी में पूरा करना नहीं चाहता। इसके आधार पर हम तय करेंगे कुछ नियम कानून, है ना, कि सामाजिक व्यवहार करते समय खुद के साथ कैसे पेश आएंगे, औरों के साथ कैसे पेश आएंगे, उसका एक आचार संहिता बनाने वाले हैं जो अगले रविवार को मैं आपके साथ पेश करूंगा। सर नेगेटिव अनकंडीशनल के लिए जो आईपी वाला है ना, उसका एक और एग्जांपल। नेगेटिव अनकंडीशनल, अनकंडीशनल बोल रहे हो? हाँ, नेगेटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव कंडीशनल का एग्जांपल। नेगेटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव कंडीशनल। आई डोंट लाइक यू बट आई नीड यू इन माई लाइफ बिकॉज यू, तुमसे मेरी कुछ जरूरत पूरी होती है ना। तो जैसे कि मियाँ बीबी को देखो आप कई बार कि मियाँ बीबी को पसंद नहीं करते, लेकिन क्योंकि तुम मेरी सेक्स नीड तुमसे पूरी होती है और मेरा कुटुंब क्योंकि मुझे बच्चा मिला है तुमसे तो पालना पड़ता है तुमको, नहीं तो मैं तो कब से निकाल देता हूँ। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कंडीशनल भी हो गया, है ना, या पॉजिटिव कंडीशनल हो गया। नेगेटिव अनकंडीशनल आई डोंट लाइक यू, लेकिन पॉजिटिव कंडीशनल क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो इसलिए ठीक है, स्वीकार कर लेता हूँ तुम्हारा, या तुम मेरी सेक्स नीड पूरी करते हो स्वीकार कर लेता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और। तो दिस इज पॉजिटिव कंडीशनल। ऐसे आप कहीं कोई संस्था में काम कर रहे हो तो कोई व्यक्ति तुमको पसंद नहीं है लेकिन वो तुम्हारा काम संभाल रहा है, एक पोर्टफोलियो संभाल रहा है, तो तुम उसको कहोगे ठीक है तुम तो पसंद नहीं, मैं निकाल देता तुमको, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी कि काम तुम्हारे जैसा कोई और मुझे करके देता नहीं, तो तुम्हारे पर मेरे काम के लिए निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है लगे रहो। तो ये होगा नेगेटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव कंडीशनल। तो विषय अधूरा रहेगा और आने वाले रविवार को इस विषय की पूर्णाहुति भी करूंगा। नॉट टीए, हाँ मैं स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ। टीए अभी दो हफ्ता और चलेगा, दो रविवार और नया एक विषय लेने वाला हूँ। इसके लिए एक एक्सरसाइज आपको इस हफ्ते भेजी जाएगी, है ना। स्ट्रोक के बारे में भी एक एक्सरसाइज है आपके लिए जो रूबरू में करेंगे रविवार को, और दूसरा टॉपिक इसके बाद जो छेड़ने वाला हूँ उसके लिए एक एक्सरसाइज आपको गुरुवार तक आपके ग्रुप पर पहुँचाई जाएगी, उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क करना होगा आपको, है ना। तो ये आपको इस हफ्ते में मिलेगी, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे इसके आधार पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत टेक्निकल विषय है स्ट्रोक करते हुए, लेकिन कितना सरल बना पाया मैं आपको, क्या जीवन संदेश इसके माध्यम से मैं दे पाया, अभी तो अस्पष्ट हूँ क्योंकि थोड़ा और एक एक्सरसाइज बाकी है। इसलिए आने वाले हफ्ते एक एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रोक पर, तो इससे थोड़ी स्पष्टता आपको और होगी। तो आपका शुक्रिया और अगले रविवार को दोबारा मिलेंगे। मैं मेरा रिक्वेस्ट यही हो रहा था कि हम कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं स्ट्रोक पे, तो नहीं, नहीं, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है इसमें, हाँ जरूर एक्सरसाइज है, वो आपको दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, हरिओम 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 सर, गुड डे, गुड डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे। हरिओम सर, हरिओम हरिओम सर, हरिओम सर, कमाई आज भाई। अब बस हूँ, पहुंच चुका हूँ, तरह तरह जाऊँ सु, चल तरह तरह निकलूँ सु, बेहतर मिनट में निकली जाऊँ सु, सतीश भाई। ओके सर, बने लो जल्दी पहुंची जाओ, चल। हाँ चल, सब साधकों ने गुड डे, हूँ निकलूँ सु। हाँ, सेम टू यू डॉक्टर, हैव अ गुड डे एंड नाइट।